खबरें वही जो दिखे। ट्रैक्टर ट्रोली ने मोपेड सवार दो युवकों को कुचला, एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर घायल। परिजनों का शव लेने से मना। जोधपुर शहर के होटल घूमर के सामने हाईकोर्ट रोड वाले क्षेत्र में देर रात दो युवकों को एक तेज गति ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोपेड को टक्कर मार दी, जिससे मोपेड सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको तुरंत उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर उदय मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि उदय मंदिर आश्रम क्षेत्र का रहने वाला सागर खान और उसका दोस्त सोनू कायम खानी देर रात्रि को उम्मेद उद्यान के निकट होटल आरटीडीसी से गुजर रहे थे। सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उन्हें चपेट में ले लिया, जिससे सागर खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया। दूसरी ओर ट्रैक्टर चालक ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि सागर खान का पहले से ही आपसी रंजिश के चलते अनबन चल रही है, जिसके चलते उसकी हत्या की गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि जब तक पुलिस आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाही नहीं करती, तब तक हम शव नहीं लेंगे और न ही पोस्टमार्टम होने देंगे। वहीं परिजन मोर्चरी के बाहर काफ़ी संख्या में एकत्रित हो गए और पुलिस के खिलाफ सवालिया निशान खड़े कर दिए गए। संवाददाता जितेंद्र दवे और इमरान खान की रिपोर्ट। सर, रात को मेरा बाइक एक्सीडेंट की वजह से खबर है, हमारे पास हम भागे चले आए तो देखा हॉस्पिटल में मेरा भाई, जब हम आए तो डॉक्टर ने हमें बोल दिया वो मूड घोषित हो चुका है। फिर हमने उनके दोस्त वगैरह को पूछा, रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई अपने, तो रिपोर्ट जब सुबह हमने पूरी कंप्लीट करके पूछताछ के आधार पर जो उनके साथ में भाई वगैरह थे और दोस्त वगैरह थे, तो फिर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। फिर हमें मना कर दिया गया कि रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, और उन्होंने बोला कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। यहीं जगदीश जी द्वारा हमें बोला कि कॉम्प्रोमाइज़। और रात के 12 बजे गई जमींदे के पास, जो वाकरी है ना वहाँ इनकी झपड़ गई, इसकी झपड़ हुई, इसके एक आदमी बैठ गया टेटे पे, टेटे लेके भागे थे, इसको मार के ले गए टेटे पे बिठा के, इसको बिठा के वो सागे, इसके पास एक आदमी एक और गया हट्टी पत्थर आते, दो जहाँ पीछे भागे इसके, इसको हाथ दिया था, इसने हाथ दिया के बाद में रोके नहीं, रोकने के बाद में वो जो तेज चलाया, तेज चलाने बाद वो अगल लिया जिससे उसको ऐसे कट मार के, और उनको रोका, उनके साथ मारपीट की, उनसे पैसे की डिमांड करी, वो सभी दारू पिए हुए थे, जो ट्रैक्टर चालक और जो साथ में थे वो सब दारू पिए हुए थे। इनको रोका, जब इन्होंने अपने बचाव में आत्मरक्षा में उन्होंने अपनी रोकना चाहा उनको, तो उन्होंने एक लड़के को उठा के, जो बच्चा है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, उसको उठा के ट्रैक्टर में डाल दिया। ट्रैक्टर डाल के इन लोगों ने उनका पीछा किया, जो घूमर होटल के पास में उन्होंने जानबूझ के जान से मारने की नीयत से उस एक्टिवा को जोरदार टक्कर मारी। उस टक्कर के दौरान टक्कर लगने से जेरे इलाज MGS हॉस्पिटल के अंदर सागर खान की मृत्यु। इन्फॉर्मेशन मिली कि मोर्चरी के अंदर MGH में काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, जिस पर हम सरदारपुरा थाने पर हैं और जाब्ते के साथ भीड़ थी। इसके बारे में जानकारी ली गई कि उदय मंदिर में एक FIR दर्ज हुई, जिस सिलसिले में पोस्टमार्टम करवाने और नहीं करवाने के लेकर कोई असमंजस था। परिवर्जन पोस्टमार्टम के लिए मान गए हैं और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। शुभ नाम सर आपका? प्रवीण चुपता, रैंक सब इंस्पेक्टर सरदारपुर। धन्यवाद। दिनांक 5 तारीख को रात करीब 11:15 के लगभग हाईकोर्ट रोड घूमर होटल RTDC के पास जो मृतक है सागर, वो स्कूटी पर था, सामने से कोई ट्रैक्टर चालक के साथ उसकी पहले कोई बता रहे हैं, जैसा कि परिजन ने कहा उनकी कोई आपस में बोलचाल हुई थी, इस बात को लेकर वो ट्रैक्टर और स्कूटी के बीच में रोकने के प्रयास में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जो मजरूह घायल था सागर उसके दौरान इलाज डेथ हो गई, जिस पर सबको मूर्छित रूप में रखवाया गया। आज सुबह बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए और परिजन भी हाजिर आए, जिस पर डॉक्टर साहब की टीम आ चुकी है, लेकिन परिजन अभी पोस्टमार्टम के लिए एग्री नहीं है, जिसको समझाइश का दौर चल रहा है और पोस्टमार्टम कराने के बाद बोर्ड द्वारा परिजनों को सब सपोर्ट किया। सर, परिजन किस तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं? परिजनों का एलिगेशन है कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये पहले से अनबन थी और ये इसको मारा गया है, जबकि वो जांच का विषय है। जैसा परिजनों के एलिगेशनों को समझाइश की जा रही है, भाई वो जांच का विषय, अभी पोस्टमार्टम अलग विषय है, पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है और जैसा भी कॉज ऑफ डेथ होगी और जैसा परिजनों के एलिगेशन, उनको अलग से बता दिया कि भाई तुम्हारे जो भी एलिगेशन है, जो भी आप जांच चाहते हैं, तो आप थाने पर जाकर जांच अधिकारी से मिलें, उच्च अधिकारी से मिलें, लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए आप ना मना करें तो बेहतर है। पोस्टमार्टम तो बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है, इसमें अगर कोई तुम्हें शक शुबा हो तो अलग बात है, लेकिन परिजनों का एलिगेशन है कि अभी हम पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं। शुभ नाम सर आपका? सुरेश मीणा। ये सही ठीक है।
खबर है वही जो